नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया जा रहा है। इसी वजह से कल सीबीआई की ओर से सिसोदिया से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन सीबीआई की पूछताछ के बाद सिसोदिया ने केंद्र सरकार के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में तलब किए गए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कल सीबीआई मुख्यालय में 9 घंटे की पूछताछ चली। वहीं इस पूछताछ के तुरंत बाद वे 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। सिसोदिया आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने गुजरात दौरे से ठीक पहले उन्होंने कहा कि राज्य में 27 सालों से बीजेपी की सरकार है। उन्होंने स्कूल बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन जैसा दिल्ली में हो सकता है वैसा गुजरात में भी हो सकता है। यही मैसेज लेकर मैं 2 दिनों के लिए गुजरात जा रहा हूँ। मीडिया से बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने आप भी सुनिए। जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ दिल्ली में, 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ, लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ, सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज़ कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों, बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं, 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। यहाँ राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम के बनने के बारे में सोच के खुशी मिलती है। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है, मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें, पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें, कोई 1 करोड़ का 1 रुपये का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ, आज मुझे वहां से भी समझ। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों जब भी मैं गुजरात गया, जिस भी इलाके में मैं गया, लोगों ने मुझे दिखाया और बताया कि वहां स्कूलों की हालत कितनी जर्जर है। अब गुजरात को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, वहां सब लोग दुखी हैं। वहीं सिसोदिया ने सीबीआई के प्रेस स्टेटमेंट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह सबको पता है। पूरे सीबीआई और ईडी को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मशीन करार दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सीबीआई का फोकस एक्साइज पॉलिसी पर नहीं था, इसमें कहीं कोई करप्शन नहीं था, उन्हें कुछ नहीं मिला और ये कल की बातचीत में साफ हो गया। करप्शन की पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई थी। कल मुझे बुलाने का मकसद यही था कि मुझे डराया जाए और किसी तरीके से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ने को तैयार हो जाऊं और बीजेपी में शामिल हो जाऊं। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप में अपनी आत्मा को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है। सिसोदिया ने आगे कहा कि इनकी कोशिश तो थी कि कल गिरफ्तार करने की
हो सकता है फिर बुलाएं, लेकिन गुजरात की जनता स्कूल के लिए वोट करने जा रही है और इसे ये लोग रोक नहीं पाएंगे। आम आदमी पार्टी को गुजरात में अच्छे स्कूल अस्पताल बनवाने हैं और ये भरोसा पब्लिक के बीच बन गया है। आपको बता दें कि सिसोदिया ने सीबीआई को भाजपा के इशारों पर काम करने वाला करार दे दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उन्हें गुजरात जाने से रोक रही है ताकि गुजरात में भाजपा को किसी भी तरह के कंपटीशन का सामना न करना पड़े। यानी कि सिसोदिया का कहना है कि उन्हें गुजरात चुनावों के लिए जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि सिसोदिया को लेकर आगे इस मामले में और क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।